देख रही हूँ जिस लाडली को इतना पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी जल्दी उसे विदा करने का समय आ गया। इस घर में आने वाले सभी मेहमानों का ख्याल तुम्हें रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो मैं रखूंगा ही, लेकिन उसके अलावा हमें किसी इंसान के कोई एहसान की जरूरत नहीं है। विशेष, जो अपने होते हैं वो अपनों पर कभी एहसान नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो अपने होते हैं वो अपनों पे कभी एहसान नहीं करते। देखो कामिनी, तुम इस तरह मेरे घर वालों पे इल्जाम मत लगाओ। मैं तुम्हारे घर वालों पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ शुभम, बल्कि एक हकीकत बयान कर रही हूँ जो तुम्हारे सामने पर तुम्हें नजर नहीं आ रही। वरना तुम ही सोचो, क्या स्नेहा की शादी के साथ साथ वो हमारी शादी की बात नहीं कर सकते थे? हमारी शादी की बात कर तो चुके हैं वो, और कितनी बार बातचीत करेंगे वो? तुम जानते हो ना रंजीत, कि मैं शुभम से बहुत प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ, पर आजकल ऐसा लगता है कि शुभम मुझसे उतना प्यार नहीं करता। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? क्योंकि जब भी मैं उससे शादी की बात करती हूँ, या तो वो मुझसे नाराज हो जाता है या फिर वो बात को टाल देता है। अगर यही तुम्हारी परेशानी है तो उसका एक रास्ता है मेरे पास, जिससे तुम्हारा शुभम सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। क्या क्या रास्ता है? रास्ता बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, शुभम को पाने के लिए मैं कठिन से कठिन रास्ते को भी पार करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है दीदी, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? क्या करो छोटे, ये खामोशी तो हमारे पूरे घर पर छाई हुई है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोचा था आकाश की शादी हो जाएगी तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, पर पता नहीं क्यों बात धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। नहीं दीदी, वो बात अभी तक ठंडी नहीं पड़ी, उसका वक्त अभी तक नहीं आया, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए बस। लेकिन छोटे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस इंतजार में और आकाश के प्यार में भैया और उनके इरादे दोनों ही बदल जाए? नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा। वो तो भैया को मैंने रोक लिया, वरना भैया तो कब का। ऐसी क्या बातें हो रही हैं भाई बहन भाई में, जो हमें देखते ही खामोश हो गए? नहीं भैया, हम तो आकाश की शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। आकाश की शादी जल्दी हो जाए और बहू घर पे आ जाए, लेकिन हमारा तो इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। अगर ये बात है तो समझ लो तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द हम उसकी सगाई करने वाले हैं। सच भैया? यस, और मुझे लगता है कि सगाई के बाद शादी में भी कुछ ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। सच कहूं भैया, आकाश के सर पर सेहरा देखकर सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे होगी। खुशी तो हमें भी बहुत होगी केतकी, क्योंकि हमें तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन विक्रमार्य की लगाम हमारे हाथ में आ जाएगी।
मिस्टर बैरिस्टर महेश बाबू। आइए आइए माननीय महोदय नारायण बाबू, तशरीफ लाइए। क्या बात है, आज बड़ा दिल लगाकर काम हो रहा है, चक्कर चला के। बस यही तो चक्कर है नारायण बाबू। अरे भाई, आपकी तरह चक्कर चलाने वाला चक्कर चलाना हमें नहीं आता, इसीलिए इन फाइलों से दिल बहला लेते हैं। आप बताएं, आपके लिए क्या चक्कर चलाऊं मैं? मेरा मतलब है, आपकी क्या खदमत कर सकता हूँ? कोई खास काम? कोई खास काम तो नहीं है, पर एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, शौक से पूछिए। यही कि जीजा जी के ऊपर जो एक के बाद एक परेशानी आ रही है, उसके बारे में आपने कुछ सोचा? ये सोच रहा हूँ कि क्या सोचूं। अब देखिए ना, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं नारायण बाबू, जो मुसीबतें और परेशानियां होती है ना, ये सोचने से दूर नहीं होती, इसीलिए हम सोचते हैं। अगर आपने कुछ सोचा हो तो बताइए, मैं उस पर सोचता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है महेश बाबू कि जीजा जी के ऊपर जो परेशानी आ रही है, इसकी जड़ युगांक राय है। अच्छा, एक मिनट सोचता हूँ। युगांक राय की वजह से? हाँ महेश बाबू, हाँ। किसी किसी इंसान के कदम इतने अशुभ होते हैं कि किसी के घर की दहलीज पे पड़ जाएं तो उसे मुसीबतों और परेशानियों में घेर लेते हैं। ओ नारायण बाबू, इसका मतलब आप भी शुभ और अशुभ में यकीन रखते हैं? हाँ हाँ, पहले नहीं रखता था, ना ना, लेकिन आज ही एक पंडित से मुलाकात। अच्छा? हाँ, मैंने पंडित से जीजा जी के भविष्य के बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि पहले उस आदमी की कुंडली लाओ जिसके साथ तुम्हारे जीजा जी का बिजनेस चल रहा है। अब जीजा जी के बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ महेश बाबू, लेकिन इस तो बताइए क्या जानना चाहते हैं आप उनके बारे में? यही कि ये कहाँ से आया है, इसका बाप कौन है, ये इंडिया में आने से पहले क्या बेचता था, मेरा मतलब क्या बिजनेस करता था चक्कर चला के। Well, for your kind information, नारायण बाबू, मैं आपको बता दूं कि मैं उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूं कि उनका नाम युगांक राय है। कैसी बातें कर रहे हैं महेश बाबू, हमारा इतना बड़ा बिजनेस उसके साथ शुरू होने वाला है और आप कहते हैं कि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम? क्योंकि मुझे इससे ज्यादा जानने की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई और ना ही आइंदा कभी होगी। अब जरूरत तो मुझे भी नहीं है महेश बाबू, पर क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि परेशान तो मैं किसी को देख ही नहीं सकता, और जीजा जी की परेशानी। जब आपको कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलता हूँ महेश बाबू, चक्कर चला के। ये शख्स चक्कर चलाने से बाज नहीं आएगा।
मैं जानता हूं मां कि आप अपने आप को बदनसीब समझती होंगी, क्योंकि आपकी मौत एक सुहागन के रूप में हुई थी। लेकिन आज तक आपका श्राद्ध आपके पति के हाथों नहीं हुआ। लेकिन आज आपका बेटा आपसे वादा करता है मां, इस बार आपका श्राद्ध आपके पति के हाथों ही करवाऊंगा, आपके पति के हाथों ही होगा। जानकी, ओ जानकी, कहाँ हो भाई? हाँ, लीजिए आपका बैग। थैंक यू। सुनिए, आज शाम को आप ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं क्या? क्यों, कोई खास बात? जी, वो मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी। जानकी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी शॉपिंग पर जाकर क्या करूँगा? जी नहीं, वो एक्चुअली अक्की की सगाई के लिए शॉपिंग करनी थी। ओ, तो तुमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं? जानकी, मजबूरी है, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन अगर तुम्हें आज ही जाना है तो एक काम करते हैं, मैं छोटे को जल्दी घर भेज दूंगा, उसके बाद तुम केतकी के साथ चली जाना। ओके? क्यों नहीं भैया, आप कहोगे तो मैं जरूर चली जाऊंगी भाभी के साथ। आखिर आकाश की शादी के लिए मुझे भी तो शॉपिंग करनी है। ये लीजिए, इनकी लिस्ट तो पहले से ही तैयार है। लेकिन केतकी, ऐसा ना हो कि तुम अपनी शॉपिंग में मेरे बेटे अक्की को भूल जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है भैया, आखिर आकाश मेरा भी तो भतीजा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें भी उसकी सगाई में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुशी हो रही है। खुशी क्यों नहीं होगी भैया, मैं तो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा जानकी, अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। ओके? जी। बाय। बाय भैया, बाय। चलो भाभी, हम शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं। चलो। क्यों नहीं युगांक, अगर तुम्हारी माँ का श्राद्ध है तो मैं तुम्हारे यहाँ आने की पूरी कोशिश करूंगा। युगांक का फोन। जानता हूँ, क्या कह रहा था? कह रहा था कि उसकी माँ का श्राद्ध है और वो मुझे अपने घर बुलाना चाहता है। विक्रम, मेरा ख्याल है तुझे ऐसे मौके पर उसके घर जरूर जाना चाहिए। हाँ महेश, मैंने सोच लिया कि मैं उसके फंक्शन में जाऊंगा। महेश, कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है मगर एक दूसरे का ख्याल रहता है। अब देखो ना, मैं कभी उसकी माँ से मिला तक नहीं, मगर जिस प्यार से उसने अपनी माँ की श्राद्ध के लिए मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मुझे उसके श्राद्ध में जाना चाहिए। वैसे विक्रम, क्या तुझे युगांग ने कभी अपने परिवार वालों के बारे में कुछ बताया? नहीं, कभी नहीं बताया और नहीं कभी मैंने जानने की जरूरत महसूस की। लेकिन तुम्हारे साले साहब आजकल उसके बारे में जानकारी हासिल करने की काफी दिलचस्पी रखते हैं। नारायण? हाँ, माननीय महोदय नारायण जी, उनका ये ख्याल है कि जो तेरे ऊपर परेशानी और मुसीबतें आ रही ना, ये सब उस युगांक राय की वजह से, इसीलिए वो तेरी और युगांक की क्या कहते हैं जन्मपत्री किसी पंडित को दिखाना चाहते हैं। महेश जी, नारायण बेवकूफ है, तुम उसकी बातों पर ध्यान न दिया करो। यार, मैं तो उसकी समझदारी वाली बातों पर भी ध्यान ना दूं, बस मैं तो वही बता रहा हूं जो उसने मुझसे पूछा था।
अब वो क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, ये तू खुद ही उससे पूछ ले भाई। हाँ वो तो मैं पूछ ही लूंगा महेश, मगर फिलहाल मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मैं उसकी माँ के श्राद्ध में जाऊंगा। क्या सोच रहे हो युगांग? आज मुझे इस बात का अफसोस है अवंतिका कि मैं एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया। कौन सा बेटे होने का फर्ज? अरे तुमने तो वही फर्ज निभाया है जो विक्रम साहब के बेटे होने के नाते तुम्हें निभाना चाहिए था। अवंतिका मैं माँ के फर्ज निभाने की बात कर रहा हूँ। माँ के फर्ज की बात? हाँ अवंतिका, अवंतिका मेरी माँ की मौत एक सुहागन के रूप में हुई थी और धर्म के अनुसार उनका श्राद्ध उनके पति के हाथों होना चाहिए, यानी कि विक्रम साहब के हाथ। हाँ अवंतिका, इसलिए आज मैंने विक्रम साहब को यहाँ पर बुलवाया। युगांक, तुम्हें नहीं लगता कि अगर विक्रम साहब यहाँ आएंगे तो वो सब कुछ जान जाएंगे? अगर वो तुमसे सवाल करेंगे तो क्या तुम उनके सवालों का जवाब दे पाओगे? क्या तुम उनको ये बता पाओगे कि तुम उनके बेटे हो, तुम ही उनका खून हो? मैं जानता हूँ अवंतिका कि मैं आज भी ये सब उनके सामने नहीं कहता हूँ। तो फिर तुमने उन्हें श्राद्ध पे क्यों बुलाया है युगांग? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी? मैं ये सब नहीं जानता अवंतिका कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर जानता कि इस बार मेरी माँ का श्राद्ध उनके पति के हाथों ही होगा। आया था कितनी खुशी साथ लेके।